मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। तो दोस्तों, आज तक बॉलीवुड की मुश्किल से 2-3 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 500 करोड़ की कमाई की, लेकिन उन फिल्मों को भी 500 करोड़ कमाने में 1 महीना और 2-2 महीने का समय लग चुका था। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि KGF चैप्टर 2 500 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ 4 दिनों में पार कर रही है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि KGF चैप्टर 2 सिर्फ 4 दिनों में ही 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि KGF चैप्टर 2 शुरुआती 4 दिनों के अंदर दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी KGF चैप्टर 2, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले यश और उनके साथ है संजू बाबा यानी कि संजय दत्त, साथ ही साथ इस फिल्म में रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी का भी पावरफुल रोल है। बताना चाहूंगा दोस्तों, KGF चैप्टर 2 का बजट सिर्फ 100 करोड़ रुपए के आसपास का है, लेकिन फिल्म ने पहले ही दिन अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई की थी और दूसरे दिन भी फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। लेकिन अगर बात करें कि फिल्म ने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन डेली कितने कितने करोड़ कमाए, तो सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ हिंदी कलेक्शन की, उसके बाद हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें सिर्फ हिंदी कलेक्शन की, तो KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन हिंदी नेट कलेक्शन किया था 53 करोड़ 95 लाख रुपए का, दूसरे दिन कमाए थे 46 करोड़ 79 लाख रुपए और तीसरे दिन 41 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी कि 3 दिनों में KGF चैप्टर 2 का हिंदी नेट कलेक्शन 142 करोड़ का हो चुका था। बात करें चौथे दिन के हिंदी नेट कलेक्शन की, तो KGF चैप्टर 2 को चौथे दिन संडे होने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और फिल्म के मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के शोज लगभग पूरी तरह से हाउसफुल हो चुके हैं। यानी कि KGF चैप्टर 2 अपने चौथे दिन भी हिंदी नेट कलेक्शन लगभग 52 से 55 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, KGF चैप्टर 2 का सिर्फ 4 दिनों के अंदर हिंदी में ही टोटल नेट कलेक्शन हो रहा है लगभग 195 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, आप बात करें पांचों भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन पांचों भाषाओं के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 165 करोड़ 37 लाख रुपए का किया था। वही दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 134 करोड़ 25 लाख रुपए रहा और तीसरे दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 105 करोड़ रुपए। यानी कि 3 दिनों में KGF चैप्टर 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन पांचों भाषाओं का रहा था 401 करोड़ का। अब अगर बात करें चौथे दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जिस तरह KGF चैप्टर 2 को हिंदी मार्केट में चौथे दिन एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसी तरह फिल्म के जो बाकी साउथ वर्जन है यानी कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम, इनमें भी फिल्म का कलेक्शन चौथे दिन एक हल्का सा जंप मार रहा है, जिसे देखते हुए लग रहा है कि KGF चैप्टर 2 का जो चौथे दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 120 करोड़ रुपए रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों, 4 दिनों के अंदर KGF चैप्टर 2 का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन बनता है वो हो जाएगा लगभग 520 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 4 दिनों के अंदर KGF चैप्टर 2 वर्ल्ड वाइड मार्केट में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर रही है। तो दोस्तों, फिल्म का बजट तो 100 करोड़ रुपए है, लेकिन फिल्म ने 4 दिनों में ही 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, यानी कि KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। वैसे अब देखना है कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कहां तक जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म किसी भी हालत में टोटल कलेक्शन 1000 करोड़ से ज्यादा का कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, KGF चैप्टर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।